हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमृताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए एक सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ, स्पिनच कॉर्न चीज सैंडविच, जिसको बच्चों को टिफिन में भी आप दे सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट टाइम खा सकते हैं, शाम की छोटी सी धूप में खा सकते हैं और बहुत ही यम्मी और टेस्टी होते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको उसके इंग्रीडियंट्स दिखा देती हूँ। स्पिनच कॉर्न सैंडविच है तो सबसे पहले ये देखिए 250 ग्राम्स ये पालक है, मैंने इसको धो लिए, अच्छे से वॉश कर लिए और उसके अलावा बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक मैंने फाइनली चॉप ग्रीन चिली है, ऑप्शनल, अगर बच्चे खा रहे हैं या नहीं कोई ग्रीन चिली पसंद करता तो आप रहने दीजिएगा। और एक इंच अराउंड अदरक का टुकड़ा मैंने जिंजर काटा हुआ है छोटे छोटे पीसेस में, एक मीडियम साइज का प्याज है इसको फाइनली चॉप, और ये देखिए प्रोसेस चीज़ है, ये बाद में हम साथ में बनाते समय ऐड करेंगे। ये मैदा है अराउंड हाफ टेबल स्पून, ये कॉर्न है 1 कप अराउंड, और बटर हम यूज़ करेंगे 2-3 बार, एक बार सॉटे करने में वेजिटेबल्स को, बाकी भी आगे भी सैंडविच में लगाएंगे। ये ब्लैक पेपर हो गई, ये सॉल्ट टू टेस्ट हो गया, रेड चिली फ्लेक्स हो गया एंड ये दूध हो गया और ये चीज स्लाइसेस हो गई। तो ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। इंग्रेडिएंट्स तो काफ़ी हैं पर जब आप एक बार इकट्ठा कर लेंगे तो ये फटाफट बनते हैं और बनते बहुत ही यम है, सैंडविचेस हैं। तो चलिए अब हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बटर ऐड करेंगे और उसके बाद उसमें डालेंगे ये अनियंस। इनको हल्के से सॉटे कर लेंगे। ऑयल मेल्ट हो गया, ऑयल जले नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा सा रिफाइंड भी यूज कर रही हूँ। ये देखिए, इसको हम अच्छे से सॉटे करेंगे। हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हल्का हल्का, जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ये ऐड कर लेंगे बाकी सामान। अब ये सैंडविचेस अक्सर होता है टिफिन में, हमें बहुत दिक्कत आती है कि बच्चों को टिफिन में क्या दो क्या करो, और हम ऐसा टिफिन में बच्चों को देना चाहते हैं जो हेल्दी भी हो और बच्चों को टेस्टी भी लगे। तो ये उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम बच्चों को, पालक आपको पता ही है तो बहुत ही हेल्दी होती है, तो इसके लिए आप ये बच्चों को टिफिन में आसानी से दे सकते हैं और बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए हमारे प्याज हो गए। अब इस टाइम पे हम इसमें ये जो अदरक कटा हुआ था, अगर बच्चे ये नहीं पसंद करते, उनके मुंह में आता है, वैसे काफ़ी महीन काटिएगा, नहीं करते तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हल्का सा अदरक, बस इस बात का ध्यान रखिएगा अदरक जाली वाला ना हो, कच्चा हो, इजीली कटने वाला, जो बड़ी मुश्किल से कटते हैं वो अदरक बिल्कुल भी मत डालिएगा सैंडविच में, क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। बाद में हम ग्रीन चिली ऐड कर देते हैं। इसके लिए भी यही बोलूँगी कि अगर ग्रीन चिली आप नहीं डालना चाहते, बड़े खा रहे हैं बच्चे खा रहे हैं, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो हमने सॉटे कर लिया, इस टाइम पे हम ये स्वीट कॉर्न डाल देंगे। हल्का सा देखिए कॉर्न भी पानी छोड़ता है अपना, तो इसको हल्का हल्का खिलाते रहेंगे इसको हल्का सा, जिससे कि इसका थोड़ा सा पानी सूख जाए कॉर्न का। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, ये हो गया है देखिए ऐसे, इसमें कोई पानी नहीं छोड़ रहा। इस टाइम पे हम ये मैदा जो था हम ये इसमें ऐड कर देंगे, इसको फटाफट हिलाते रहेंगे कि इसके लम्स ना पड़े, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। आप इसका बैटर भी, जैसे बच्चों को आपको सुबह टिफिन में देने हैं तो आप इसका बैटर, या शाम को इवनिंग टाइम पे बनाने हैं तो आप इसका बैटर पहले से भी बना के रख सकते हैं, ठंडा करके फ्रिज में रख लीजिए और जिस समय सैंडविचेस बनाने हैं उस समय
फटाफट सैंडविचेस बना लीजिए आप इसको, बस 2 मिनट जिससे कि हमें स्मेल आने लगे, ये मैदा हल्का सा भून जाए, हल्की हल्की स्मेल आएगी। ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा मेरे को, थोड़ा सा मैं बटर और ऐड करूँगी। अब इस टाइम पे हम इसमें अच्छे से मैदा भुनने की स्मेल सी आने लगी है, 1 से 2 मिनट में आने लग जाएगी। अब इस टाइम पे हम इसमें ये डाल देंगे, ये जो पालक रखी हुई थी हमने, अभी पालक आपको लग रही है ज़्यादा, अभी 2 मिनट में देखिएगा बिल्कुल जरा सा हो जाएगी पालक। अब इसको स्लो फ्लेम पे कर दीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसके बाद हम इसको, ये देखिए ये हमारा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है पालक। अब हम इसको 2 मिनट के लिए, अब हम इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। ये देखिएगा कि पतला तवा आप जिस पैन में बना रहे हो वो हैवी होना चाहिए। अब 2 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे ढक के, और उसको अच्छे से पालक और वो सब एक दूसरे से मिल जाए, मिक्स हो जाए, अच्छे से फ्लेवर आ जाए। हम 2 मिनट बाद देखते हैं कि 2 मिनट हो गए, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से हमारा ये मिक्स हो गया है। अब इस टाइम पे हम इसमें जो हमने ये दूध लिया हुआ था, हम ये इसमें मलाई डाल देंगे, इसको अच्छे से इसमें मलाई डाल दिया मैंने अच्छे से। अब इसको फ्लेम थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर लेंगे और स्टिर करते रहेंगे, छोड़िएगा नहीं इसको बिल्कुल। इस टाइम पे ही हम इसमें डाल देंगे ये चीज जो हमने लिया हुआ था, हम चीज भी डाल देंगे इसमें। एक मिनट अच्छे से ये बॉईल हो गया है, उसके बाद ही हम इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कर देंगे और इसको स्टिर करते रहेंगे, क्योंकि इसमें लम्स ना बन जाए। हम ऑलरेडी मैदा डाला हुआ है और चीज़ देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट टू टेस्ट, पेपर डाल देंगे, और ये चिली फ्लेक्स डाल देंगे। बनाना बहुत ही आसान है, एक बार आपने सामान इकट्ठा करा हुआ पड़ा है, और देखिए इसमें जो भी चीज़ें डाल रही हैं, कोई भी ऐसा सामान नहीं है कि आपको बाहर से लेने जाना है, सारा चीज़ें घर में इजीली अवेलेबल हो जाती है। बस इसको अच्छे से 2 मिनट अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इवनिंग टाइम का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको शाम को भूख लग रही है, एकदम से गेस्ट आ गए, आप फटाफट बनाइए और खिलाइए इसमें। देखिए अब इसको हम 1 मिनट कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए हमारा 1 मिनट हो गया और बिल्कुल परफेक्ट सैंडविच बैटर तैयार हो गया हमारा। ये देखिए इस टाइम पे अब हम इसको बंद कर देंगे गैस को। और इसमें से एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आप चाहें, अगर आप डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा कोरिएंडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए मेरा कटा हुआ नहीं था, मैं थोड़ा सा इस तरीके से आप डाल दीजिए, एक अलग सा एक फ्लेवर आ जाता है। ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें थोड़ा सा धनिया हल्का सा डाल दीजिए इस टाइम पे, ज़रा सा मिक्स कर लिया इसको। चलिए अब हम बैटर को थोड़ा सा ठंडा करके ही लगाएंगे, नहीं तो स्लाइस टूटने लग जाती है। इसको एक हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर ठंडा करके सैंडविच बनाएंगे। बैटर को हम इस
इसमें निकाल के रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब आप चाहते हैं कि आपने सैंडविचेस शाम को बनाने हैं तो आप इस तरीके से बैटर बनाइए और इसको रख दीजिए, ठंडा कर लीजिए और जिस समय आपको सैंडविचेस बनाने हैं उस समय अपना फटाफट सैंडविचेस बना लीजिए। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद सैंडविचेस बनाते हैं। तो मेरा बैटर ठंडा हो गया, अब हम सैंडविच लगा लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम एक स्लाइस में बटर लगाएंगे अच्छे से, उसके बाद देखिए बैटर, आपको एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, देखिए बैटर पड़ा देखिए थिक भी हो गया है बिल्कुल परफेक्ट लगाने के लिए। अब इसमें से हम बैटर लेंगे, कितना यम लग रहा है, अच्छे से इस पर स्प्रेड कर लेंगे। अब इस पर रखेंगे एक, अगर आपको ज़्यादा चीज़ ही बनाने हैं तो इसके बाद इस पर रखेंगे हमें ये चीज़ स्लाइस। उसके बाद ये वाले पे भी थोड़ा सा लगाएंगे बटर। अगर आप ये बटर स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर बच्चों के लिए अच्छा है और आप बच्चों के लिए ठीक रहेगा। इसी तरीके से मैं दोनों सैंडविचेस लगा लेती हूं। दोनों दो सैंडविचेस लगा लिए दो से, देखिए इससे अप्रॉक्स जो मैंने आपको रेशियो बताया था उससे अप्रॉक्स 5 से 6 बन जाएंगे इस तरीके के। ये दो हमने बना लिए तो आपके टोटल 5 से 6, अगर थोड़ा सा कम लगाएंगे तो 6 आराम से बन जाएंगे। चलिए अब हम इसको तवे पे सेक लेते हैं। गैस ऑन कर ली है, अब आप चाहे तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। ये देखिए इस पे थोड़ा सा मैं बटर लगाऊंगी, इसके बाद इसको इसके इस साइड भी थोड़ा सा बटर लगा दूंगी। इसी तरीके से दूसरा वाला भी मैं रख देती इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। अभी नहीं हुआ, अच्छे से एक साइड से हो जाएगा तभी हम दूसरे साइड को पल लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं, हम इसको अच्छे से पल इसी तरीके से हम दोनों को अच्छे से दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी करके सेक लेते हैं। ये देखिए मेरे सैंडविच बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए। चलिए मैं इनको अब सर्व कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरे ये सैंडविच बिल्कुल रेडी हो गए खाने के लिए। चलिए मैं एक सैंडविच आपको दिखा देती हूँ, कितना चीज़ी बना ये देखिए। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा और बताइएगा भी ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो फिर मैं दोबारा यही बोलूँगी कि अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे वीडियो शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चों को एक बार टिफ़िन में भी दे के देखिए, फिर बताइएगा कि बच्चों को कितना पसंद आया। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।